फर्जी दस्तावेज बनाकर फर्जी स्कूल में दाखिला दिलाए जाने के प्रकरण में सीताबर्डी पुलिस ने एक और पालक को गिरफ्तार किया है। आरोपी मोहम्मद जावेद मोहम्मद यूनिस है। आरटी घोटाले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी गठन के बाद से यह दूसरी गिरफ्तारी है। आरटी घोटाले का सूत्रधार शहीद शरीफ अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगा, इससे पुलिस की भूमिका पर सवाल किए जा रहे हैं। पुलिस ने आरंभ में इस प्रकरण को लेकर बेहद गोपनीयता बरती, इसी वजह से शाहिद को फरार होने का मौका मिल गया। पुलिस ने अब तक शाहिद के कार्यालय से घोटाले से जुड़े दस्तावेज बरामद किए हैं। शाहिद उसके रिसेप्शनिस्ट रुखसार और शुभम बुटे के SBI, IDBI, तिरुपति अर्बन बैंक आदि खातों की जानकारी हासिल कर रही है। ही गोष्ट बरोबर आहे। आरोपी एक मोहम्मद जावेद मोहम्मद दिनेश शेख याला आम्ही परवा अटक केलेली आहे। काल त्याला कोर्टामध्ये हजर केलेला आहे आणि 7 तारखेपर्यंत इशारा आहे। त्याने प्रवेश प्रक्रियेसाठी RTE मध्ये काय काय केलेलं आहे त्याविषयीची तपासणी सध्या चालू आहे आणि आणखी जे फरार आरोपी आहेत या प्रकरणातले त्यांचा पण शोध जोरात चालू आहे। हे ऑटो डीलचं काम करतात। त्यांचं नाव आहे मोहम्मद जावेद मोहम्मद युनुस शेख, वय 36 वर्ष, राहणार देशपांडे लेआउट नंदनवनच्या परिसरामध्ये, त्याला राहतात नागपूरमध्ये। शाहिद के दुबई भागने की चर्चा है, मगर वह इंदौर में छुपा होने की बात बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार शाहिद अपने करीबी लोगों के संपर्क में है। पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ प्रकाश श्रृंखलवार की रिपोर्ट।